डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन। जैसे एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन से हम काफ़ी कम टेम्परेचर को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन से भी बहुत लो टेम्परेचर हम एक्वायर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक इस तरह का अरेंजमेंट रहता है, इस अरेंजमेंट की मदद से ये प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जो कूलिंग पावर है वो अराइज होता है मैग्नेटिक डाइपोल्स से, जो कि रेफ्रिजरेंट एटम्स के न्यूक्लियस का होता है। और ये डाइपोल्स जो हैं ये बहुत छोटे मैग्नेट्स होते हैं, तो इस वजह से होता ये है, जो डाइपोल्स हैं आपके डाइपोल्स बहुत छोटे मैग्नेट्स होते हैं, स्मॉल मैग्नेट्स। तो इस वजह से ये जो डाइपोल्स हैं ये सेल्फ अलाइनमेंट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इनकी बहुत मिनिमम इंट्रिंसिक फील्ड होती है। और ये अलाउ, यही चीज़ अलाउ करता है कि जो न्यूक्लियर स्पिन का सिस्टम है वो कूल हो सके बहुत लो टेम्परेचर में। ठीक है, जो न्यूक्लियर स्पिन है मटेरियल में वो सर्व करता है बिल्कुल एक रेफ्रिजरेंट के जैसे, और इस पे अगर आप अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, बहुत लार्ज मैग्नेटिक फील्ड अगर आप अप्लाई करते हैं, तो एक थर्मोडायनेमिक स्पिन पोलराइजेशन यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हीट अराइज होता है इस प्रोसेस में वो ड्रेन हो जाता है मिक्सिंग चैम्बर के कूलिंग पावर से। ठीक है, जब तक के सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है। ये यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर दिया हुआ है इसके कूलिंग पावर से, तो सिस्टम जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया बिना इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को डिस्कनेक्ट किए, जो थर्मल कॉन्टैक्ट है वो कट कर दिया जाता है सुपर कंडक्टिंग हीट स्विच की मदद से, इस स्विच की मदद से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिक्रीज़ हो जाता है एडियाबेटिकली, और फाइनल टेम्परेचर हमको एकदम ही कम मिलता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ये बताया गया है कि जो न्यूक्लियर मूवमेंट होते हैं असल में वो काफ़ी वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। हमको कम टेम्परेचर चाहिए, कितना कम, कि 100 times लोअर होना चाहिए न्यूक्लियर पैरामैग्नेट्स, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेट के कंपैरिजन में ये 100 times कम होता है। इनिशियल टेम्परेचर जो है किसी न्यूक्लियर कूलिंग एक्सपेरिमेंट में, जैसा हमने अभी देखा, वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन स्पिन कूलिंग एक्सपेरिमेंट। तो शुरुआत हम यहाँ पे जो बी लिया था हमने वो 50 किलो गॉस का अगर लेते हैं और T1 लेते हैं 0.01 के, तो कैलकुलेट करके देखें तो ये वैल्यू 0.5 आती है। तो एंट्रोपी जो है वो कम हो जाती है मैग्नेटाइजेशन से 10% तक के मैक्सिमम स्पिन एंट्रोपी के। ठीक है, और ये काफ़ी है कि लैटिस जो है उसको ओवरवेल्म किया जाए और T2 = T1 BΔ/B से हमको फाइनल टेम्परेचर 10^-7 के तक के मिल सकता है। पहला न्यूक्लियर कूलिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो कॉपर न्यूक्लियर पे किया गया और स्टार्ट किया गया पहले स्टेज में 0.02 के, और उसके बाद लोएस्ट टेम्परेचर जो हम पहुँचे 1.2 × 10^-6 की, इतना कम कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो जो रिजल्ट है उसका वो बनाया गया T2 = T1 3.1/B से, तो बी जो है वो गॉस में है, इफेक्टिव इंट्रैक्शन फील्ड जो है मैग्नेटिक मोमेंट का उसके साथ दिखाया गया है कॉपर न्यूक्लियर का, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ही हेल्प करते हैं रैपिड थर्मल कॉन्टैक्ट का लैटिस और न्यूक्लियस दोनों के टेम्परेचर, फर्स्ट स्टेज के टेम्परेचर में। तो यहाँ पे ये दिया गया है न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन, आप देख रहे हैं बिल्कुल कम होते जा रही है ये वैल्यू। तो ये चीज़ बताई गई है न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन के लिए विद द हेल्प ऑफ ये, इस तरीके का आपको अरेंजमेंट यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।